हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। आज हम देखेंगे कि फिजिक्स के जो वन लाइनर है जो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, रेलवे हो, आरवीएनएल का एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हर एग्जाम में जनरल साइंस फिजिक्स के क्वेश्चन आते ही हैं। हम ऑलरेडी 5 सीरीज इसके कर चुके हैं, आज हम 6 सीरीज देखेंगे। हर सीरीज में 50 क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन जरूर से देखें, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। तो प्लीज आप इन वीडियोज को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाई द आउटसाइड ऑफ द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इस लेफ्ट बैक, जो हमारे जिनमें हम खाना बनाते हैं यूटेंसिल्स को हम ब्लैक क्यों रखते हैं, वो ब्लैक कलर के क्यों होते हैं। ब्लैक कलर हमारे क्या होता है, गुड ऑब्जर्वर होता है हीट का। तो ब्लैक सरफेस क्या होता है, गुड ऑब्जर्वर है हीट का, इसलिए हम इसको सरफेस को क्या रखते हैं, ब्लैक रखते हैं। तो जो सरफेस है हमारा, ये हमारा अगर ब्लैक होगा तो जितनी भी हम इसको फ्लेम देंगे, यहाँ से हम जितनी भी इसको फ्लेम देंगे, फ्लेम क्या करेगी, इसको हीट देगी, इस मैक्सिमम हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। एब्जॉर्व करेगा तो जल्दी हमारा खाना क्या होगा, पक जाएगा। कम टाइम में कम हीट देने से हमारा खाना जल्दी पकेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, ब्लैक रखते हैं यूटेंसिल्स को। गैस थर्मोमीटर आर द मोर सेंसिटिव टू द वेट ऑफ लिक्विड थर्मोमीटर, बिकॉज जो गैस थर्मोमीटर है वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अगर हम लिक्विड को यूज़ करें। लिक्विड मटेरियल यूज़ करने की जगह अगर हम गैस मटेरियल यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन कोफिशियंट जो है गैस का, वो क्या है, हायर है। डिफ्यूजन कोफिशियंट क्या होता है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका क्या है, वो दूर दूर होता है। यहीं अगर हम लिक्विड का देखें तो लिक्विड का थोड़ा क्या होगा, पास होगा, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये जल्दी डिफ्यूज़ करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम परफ्यूम यूज़ करते हैं तो परफ्यूम स्प्रे करते ही पूरे रूम में क्या आता है, उसकी फ्रेगनेंस आती है, तो इसको बहुत जल्दी स्प्रेड होगा, बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है। वहीं अगर हम लिक्विड ड्रॉप डालें तो वो उसी प्लेस पर रहेगी, वो इतनी जल्दी डिफ्यूज नहीं हो पाएगी, इसलिए जो गैस है उस वो जल्दी फैलती है लिक्विड के वनस्पत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द व्हाइट एंड स्मूथ सर्फेस। व्हाइट और स्मूथ सर्फेस है, अगर हम किसी सर्फेस को व्हाइट रखते हैं, स्मूथ रखते हैं, तो उससे हमको क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो वो क्या है, बैड एब्जॉर्वर होता है और हीट, और बैड एब्जॉर्वर होता है किसका, हीट का, और गुड क्या होता है, रिफ्लेक्टर। तो व्हाइट सर्फेस हमेशा क्या होगा, बैड हीट का एब्जॉर्बर होगा और गुड रिफ्लेक्टर होगा। वहीं अगर हम ब्लैक की बात करें तो ब्लैक क्या है, गुड कंडक्टर है, गुड एब्जॉर्बर किसका है, हीट का, गुड एब्जॉर्ब करता है किसको, हीट को, और क्या करता है, बैड क्या होता है, वो रिफ्लेक्टर होता है। तो हमारे जितनी भी हम पानी की टंकियां देखें तो पहले पानी की टंकियां जितनी भी होती, जो हमारे टेरेस पर होती थी, वो ब्लैक कलर की होती थी। अब जनरली अगर हम उसको देखें तो वो हाईटेक हो गई है, मैक्सिमम लेयर्स उसमें बढ़ गई हैं, और वो क्या आती है, व्हाइट कलर की आती है। व्हाइट कलर क्यों यूज़ करने लगे, क्योंकि व्हाइट कलर से वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करते, गर्मी में पानी उसका गर्म नहीं रहता, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो व्हाइट क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर हो, बैड एब्जॉर्बर होता है हीट का, और गुड क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है। एट वॉट फ्रैक्शन ऑफ सेंटीग्रेड एंड फेरेनहाइट टेम्परेचर यूनिफॉर्म, वो कौन सा स्केल होता है जब फेरेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, वो क्या होता है, -40°C। याद रखें, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट मटेरियल यूज इन द इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर में हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर में हम यूज करते हैं निक्रोम। निक्रोम को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, गुड, बहुत ज़्यादा क्या करता है, हीट को डेवलप करता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई है, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण जो इसका हीटिंग इफेक्ट आता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, बहुत हाई होता है, तो मेल्ट नहीं करता और लेकिन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, द डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग ट्रांसफॉर्मर इज, जो डिवाइस ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं, काम क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, लो वोल्टेज एसी को किसमें कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज एसी में, और हाई वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज एसी में। द टर्म्स हिग्स बोसन इज रिलेटेड, जो हिग्स बोसन जो मटीरियल है, किस से रिलेट करता है, गॉड पार्टिकल से रिलेट करता है। गॉड पार्टिकल क्या है, कि जो बोसन थ्योरी हमको मिली है वो क्या है, पार्टिकल जो रिलेट करता है, इसकी क्या होती है, जीरो स्पिन होती है, स्पिन जीरो होती है, नो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक का चार्ज नहीं होता, स्पिन जीरो, इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो, इसको हम कह सकते हैं H01 से हम इसको डिनोट करते हैं। तो गॉड पार्टिकल का एक ऐसा पार्टिकल है जो किसी स्पिन भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज भी नहीं, कोई फील्ड भी डेवलप नहीं होती इसके आसपास, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, गॉड पार्टिकल कहते हैं। और हिग्स बोसन पार्टिकल की टर्म्स में उनको कहते हैं गॉड पार्टिकल। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जीरो स्पिन, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसको हम कहते हैं H0 से। इफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज टू बी रिड्यूस देन द नंबर ऑफ रेजिस्टर शुड बी कनेक्टेड। अगर हमको किसी सर्किट का, हमको सर्किट का रेजिस्टेंस दे रखा है, इस सर्किट का रेजिस्टेंस हमको क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो हम इसको कैसे कनेक्ट करें, सीरीज में कनेक्ट करेंगे एक दूसरे को, या फिर इसको क्या करें, हम पैरेलल में कनेक्ट करें। तो अगर हमको रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना है तो हमेशा सर्किट को किस में लगाएंगे,
पैरल में लगाएंगे, विच इज नॉट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी नहीं होती, बीटा वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों होती, क्योंकि चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल होने के कारण इसमें क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल होने के कारण इसमें क्या होता है, ये इंड्यूस कर सकता है या फिर डिफ्लेक्ट हो सकता है, किसकी प्रेजेंस में डिफ्लेक्ट होता है, किसकी प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती क्योंकि ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड कंडक्ट क्यों नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जितने हमारे एटम्स होते हैं इसके, चार वैलेंस शेल होती है इसकी, वैलेंस शेल में इसमें कितने एटम्स होते हैं, फोर होते हैं, तो फोर के फोर क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस कारण से ये कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का होता है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का चार्ज क्या होता है, जस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, सेम एनर्जी सेम लेवल पर होते हैं, दोनों का चार्ज सेम होता है, लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन हमारा पॉजिटिव होता है। हु इज एसोसिएट विद द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें क्या प्रिंसिपल आता है या फिर क्या चीज डेवलप होती है, उसमें डेवलप होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होती है, अगर कोई करंट कंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अराउंड क्या डेवलप होगी, इसके अराउंड डेवलप होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट के कारण हमारी क्या डेवलप होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इसी वेव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है वो क्या आती है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। न्यूक्लियर डेटोनेशन इज इंड्यूस्ड बाय, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम जब वर्क करते हैं, अगर वो चैन अनकंट्रोल हो जाए तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है, तो अनकंट्रोल चैन रिएक्शन जब होता है तो न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियर डिटोनेशन हो जाता है, और उसमें अनकंट्रोल चैन रिएक्शन होता है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन से हमारे दो जनरेट हुए, दो से हमारे क्या होते हैं, नेक्स्ट चार होते हैं, इनसे आगे बढ़ेंगे इनसे, तो ये हमारे क्या अनकंट्रोल चैन रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाता है तो वो किसके से वर्क करता है, न्यूक्लियर बॉम्ब के से रिएक्ट करता है। वॉट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एमिशन ऑफ एक्सरे, एक्सरे का सबसे बुरा इफेक्ट क्या होता है, लाइट होता है और इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। जब हम एक्सरे यूज करते हैं, एक्सरे रेडिएशन के कारण हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है बॉडी में, उसके कारण हमारे को बॉडी में बैड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। वॉट इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ सोलर सेल डेट आर फोल्ड टूगेदर इन अ सर्टन पैटर्न, सोलर सेल्स को अगर हम सर्टन पैटर्न में यूज करते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं, सोलर पैनल्स बोलते हैं। सोलर पैनल्स क्या करते हैं, हमको एब्सेंस ऑफ लाइट में भी हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जब हाई टेम्परेचर होता है, जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, जहाँ पे हाई हीट प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे हम सोलर पैनल्स यूज करते हैं। सोलर पैनल्स क्या करते हैं, जब लाइट फॉल होती है हमारे डिवाइस में, उसको क्या करता है, ये चार्ज को स्टोर करता है, इस एनर्जी को स्टोर करता है। जब हम इसको सप्लाई करते हैं तो किसके जैसे वर्क करता है, इन्वर्टर के जैसे वर्क करता है, और ये क्या करता है, हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। नेक्स्ट, वॉट इज अ चोक यूज विथ ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट में जो चौक होती है उसका काम क्या होता है, वो किसकी बनी हुई होती है, जो ट्यूबलाइट में चौक होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो एक इंडक्टर होता है। इंडक्टर क्या करता है, हाई वोल्टेज को सप्लाई देता है। तो जैसे ही हम इसको चौक को करते हैं तो हाई वोल्टेज देगा, हाई वोल्टेज के कारण क्या होगा, जो गैस फील्ड है ट्यूबलाइट में वो आयोनाइज्ड होगी और उसके कारण हमको लाइट दिखती है। तो चौक का काम क्या होता है, हाई वोल्टेज डेवलप करना, और किसकी बनी होती है, वो इंडक्टर की बनी हुई होती है। विच ट्रांजिस्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज इन ऑडियो एम्पलीफायर, ऑडियो इक्विपमेंट जितने भी होते हैं मोस्ट जो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं कौन से होते हैं, कॉमन एमिटर्स होते हैं। With whom a galvanometer can be connected and made into voltmeter, किस तरीके से हम galvanometer को voltmeter बना सकते हैं। Voltmeter में अगर हमको galvanometer convert करना तो हम क्या करेंगे, series में क्या लगाएंगे, high resistance लगाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर बन जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज रिलेटेड टू, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस चीज से रिलेट करता है, वो रिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम बता सकते हैं कि जो हमारा थंब है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ ये करंट है, तो हमारी जो कर्ल्स है ये क्या बताएगी, हमको मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो ये क्या बताता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है। सिल्स फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सिल्स फ्रिक्वेंसी वो होती है फ्रिक्वेंसी अंडर विच लाइट इलेक्ट्रिकल एमिशन इज नॉट पॉसिबल, जहाँ पे लाइट इलेक्ट्रिकल एमिशन पॉसिबल है, लाइट के कारण जो इलेक्ट्रिकल एमिशन होता है वो फ्रिक्वेंसी इतनी स्लो होती है, इतनी धीरे होती है कि वो इलेक्ट्रिकल एमिशन नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, सिल्स फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट देखते हैं, सुपर कंडक्टर आर द मटेरियल डेट, सुपर कंडक्टर कौन से मटेरियल होते हैं, सुपर कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो बिल्कुल लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो गिव मिनिमम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, जो हाई इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं, जीरो रेजिस्टेंस, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है उसमें, जीरो रेजिस्टेंस होता है, बहुत ही लो रेजिस्टेंस पे अप्लाई करते हैं वो। इन कंडक्टर
कंडक्टर्स क्या होते हैं, जहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या होता है, ओवरलैप होता है। ये हमने बैंड थ्योरी से पढ़ रखा है, ये हमारा कंडक्शन बैंड होता है, ये हमारा क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। अगर हम सेमी कंडक्टर्स की बात करें तो सेमी कंडक्टर में कुछ क्या होता है, यहाँ पे गैप होता है अप्रॉक्सीमेटली कितना 0.7 तक होता है या फिर 0.1 तक, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट तक होता है। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो ये दोनों बैंड्स क्या होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। तो इसको किसको कहते हैं, कंडक्टर्स को कहते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द सम मटेरियल इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड एट द वेरी लो टेम्परेचर, व्हाट आर दीज मटेरियल कॉल। जो लो रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, एफर्ट करते हैं और कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं लो टेम्परेचर पे, बिल्कुल रेजिस्टेंस जीरो जाता है, उस मटेरियल को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। बिल्कुल लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है मटेरियल का, वो कम्प्लीटली खत्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। डायनोमीटर क्या काम करता है, डायनोमीटर का वर्क होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप याद करेंगे डायनोमीटर का काम होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अ फ्यूज वायर इज आइडेंटिफाइड ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्यूज वायर को किस कैरेक्टरिस्टिक्स से जाना जाता है, क्या होता है फ्यूज वायर में, मिनिमम तो रेजिस्टेंस होता है और मिनिमम क्या होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या, इसके कारण क्या उसका फायदा, जैसे भी हम हाई करंट फ्लो करता है हमारे सर्किट में, जैसे हाई करंट फ्लो करेगा, हाई करंट फ्लो होने के कारण क्या, रेजिस्टिविटी लो है तो करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो कर जाएगा। जैसे करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होते सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो फ्यूज का काम क्या है, हाई करंट फ्लो करने पर सर्किट को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, जिसके कारण हमारे सारे अप्लायंसेस बच जाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द नंबर ऑफ कॉइल इन द हॉरोस्कोप इज ट्रिपल, अगर हॉरोस्कोप में हम नंबर ऑफ कॉइल को ट्रिपल कर दें विदाउट एनी चेंज इन लेंथ ऑफ कॉइल, हाउ मच इज द इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अगर हम उसको 3 कर रहे हैं और उसको डबल करें तो मीन 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9, तो ये क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। इन द इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाट कम्स अंडर टैंक सर्किट, टैंक सर्किट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस, उसमें क्या होता है, एक तो रेजिस्टेंस होगा और क्या होगा, कैपेसिटर होगा। तो रेजिस्टेंस के साथ जब कैपेसिटर लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैंक सर्किट्स बोलते हैं। और ये एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में वर्क करते हैं, रेजोनेट होते हैं और उसी को हम यूज करते हैं। टंगस्टन इज यूज टू मेक द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, बिकॉज टंगस्टन क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल फिलामेंट में, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर पर वो मेल्ट नहीं करता, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म्स के लिए बल्ब जला के रखते हैं तो हीट के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो मेल्ट नहीं होता, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, टंगस्टन यूज करते हैं। पॉलीमीटर यूज टू मेजर, पॉलीमीटर किस लिए यूज आता है, टू मेजर द करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टर। अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज फॉर पावर जनरेशन इज बेस्ड ऑन, तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो हमारे लगते हैं रिसर्च सेंटर्स में, उसमें क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, तो उसमें हम यूज करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, जो एक न्यूक्लिया है, एक न्यूक्लिया किस में स्प्लिट होगा, नेक्स्ट टू न्यूक्लिया, इसमें क्या होगा, स्प्लिट होगा, ये वाला क्या होगा, नेक्स्ट टू में स्प्लिट होगा, ये नेक्स्ट टू में, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। नेक्स्ट टू नेक्स्ट चीजें हमारी ब्रेक डाउन हो सकती है और क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स निकलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ किलोवाट आर इज अ यूनिट ऑफ, किलोवाट आर किसकी यूनिट होती है, वो एनर्जी की यूनिट होती है। एग्जाम हम बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें भी पढ़ा था हमने डायमेंशंस में कि किलोवाट किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की होती है। इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्यूज मेल्ट व्हेन देयर इज अ ह्यूज सर्ज ऑफ, इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा कब मेल्ट होता है, हमारे हाउसेज में जो फ्यूजेस उड़ जाता है, तो फ्यूज कब होता है, जब हमारा सर्किट में क्या आने लग जाता है, हाई करंट आने लग जाता है, क्योंकि हाई करंट आते ही इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम होते के कारण सर्किट क्या हो जाता है, हमारा ब्रेक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक फैन की स्पीड चेंज करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हम रेगुलेटर। सुपर कंडक्टर इज अ कंडक्टर विच हैज, सुपर कंडक्टर कौन सा कंडक्टर, विच हैज जीरो रेजिस्टेंस। सुपर कंडक्टर की क्या स्पेशलिटी होती है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, बहुत लो टेम्परेचर पे जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। Which device is used to limit current in the electric circuit? किस डिवाइस को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में कि हमारा करंट मैक्सिमम फ्लो नहीं करे, हमारे डिवाइसेस अप्लायंसेस खराब ना हो, तो उस डिवाइस को हम कहते हैं फ्यूज। नेक्स्ट, वाटर कैनॉट बी यूज इन एक्सटिंग्विशर ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज फायर एक्सटिंग्विश जब होती है, फायर एक्सटिंग्विश में हम वाटर क्यों नहीं यूज कर सकते, जब इलेक्ट्रिक करंट के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वाटर जो है, वाटर भी अपने आप में क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ वाटर जो है वो क्या है, हमारा गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।
वाटर, तो इसके कारण जो पर्सन वहां पे पानी देगा, तो जहां पे जिस एरिया में हमारे आग लगी है अगर इस पे हम पानी डालेंगे, तो उस पर्सन की पूरी प्रोबेबल चांस उसको क्या लग जाएगा, शॉक लगेगा। शॉक कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इस कारण से हम वाटर को यूज नहीं कर सकते। जब आग किसके कारण लगी हो, एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो, तो डेट इट कॉज इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन। नेक्स्ट, प्रोड्यूस डायनेमिक इलेक्ट्रिक चार्ज। डायनेमिक इलेक्ट्रिक चार्ज कौन प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। डायनेमिक जो अचानक से मतलब रैंडमली चेंज होते हुए जो चार्जेस होते हैं, डायनेमिक इलेक्ट्रिक चार्ज कौन प्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, अगर हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो इस करंट फ्लो के कारण इसके अराउंड क्या डेवलप होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो ये क्या होगी, डायनेमिक इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्मेट में होगी। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट क्या है, कूलम्स है। द सेफ्टी वायर यूज इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इज मेड ऑन द मेटल हुज, जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज होते हैं उसमें हम जो फ्यूज वायर यूज करते हैं, वो फ्यूज वायर किसका बनता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होता है, लो होता है। ये प्रॉपर्टी जरूर से याद रखें, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, और उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, लो होता है। रेजिस्टेंस लो होता है इसलिए इसका करंट इसमें क्या फ्लो करता है, ज्यादा फ्लो करता है। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन मेक द करेक्ट कॉन्फिगरेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन में आप उस ऑर्डर में हमको जमाने पड़ेगी जिसमें फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो सबसे कम एक्सरे की होती है, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर माइक्रोस्कोपी। तो जो माइक्रोवेव होती है उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट, हुज यूनिट इज फैरेड। फैरेड किसकी यूनिट है, फैरेड यूनिट होती है कैपेसिटर की। वॉट इज द नेचर ऑफ फोटोन पार्टिकल फॉर्मेशन। फोटोन पार्टिकल फॉर्मेशन कब होता है, जब हमारा लाइट इफेक्ट होता है। जब भी लाइट इफेक्ट की बात करते हैं, लाइट इफेक्ट क्या होता है, अगर किसी सिस्टम पे, किसी मटेरियल पे हमारी लाइट पड़ रही है और उसके कारण क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, फोटोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उस फोटोन से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, लाइट इफेक्ट होता है। तो लाइट इफेक्ट में क्या होता है, फोटोन पार्टिकल प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन अलॉय ऑफ, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो किसका अलॉय होता है, लेड एंड टिन का। ये बिल्कुल याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेड और टिन से क्या बनता है, हमारा फ्यूज वायर बनता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। वॉट इज अ कंडक्टिंग वायर, कंडक्टर वायर किस क्या होता है, न्यूट्रल। जो न्यूट्रल वायर होते हैं वो क्या होता है, हमारे कंडक्टर वायर होते हैं। नेक्स्ट, वॉट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी ओम। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, हमारी ओम। तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, हमारा मो होता है। ओम्स हम ऐसे लिखते हैं, जो मो होता है हमारा वो क्या है, कंडक्टिविटी कुछ होता है, कंडक्टिविटी की यूनिट हमारी क्या होती है, मो होती है। वॉट इज अ कंडक्टर वेन करंट कैरिंग, करंट कैरिंग जब होता है तो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पे क्या होते हैं, एक्युमुलेट होते हैं। व्हाट इज अ यूनिट ऑफ साउंड पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन को हम किस में मेजर करते हैं, साउंड पॉल्यूशन को मेजर करते हैं हम डेसिबल में। द साउंड हाइट डिपेंड ऑन, साउंड की हाइट किस पे डिपेंड करती है, कितना ज्यादा वो सिग्नल का क्या है एम्पलीट्यूड, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी हाइट होगी, उतनी देर तक वो सुनाई देगा, उतनी दूर तक सुनाई देगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड चेंज ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, वो चेंज होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारी क्या है, टेम्परेचर के साथ क्या?